भारत के नए संसद भवन के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक कोई फैसला ना सुनाया जाए तब तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कोई निर्माण या कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई पेड़ काटा जाना चाहिए। अदालत के सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है, शीला न्यास से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 10 दिसंबर को नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संसद का नया भवन 64,500 वर्ग मीटर में क्षेत्र में होगा और इसमें कुल खर्चा 970 करोड़ अनुमान बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिरला ने प्रस्ताव भवन के बारे में विवरण पेश करते हुए कहा कि लोकतंत्र का वर्तमान मंदिर अपने 100 साल पूरे कर रहा है, यह देशवासियों के लिए गर्व का विषय है और नए भवन का निर्माण हमारे और अपने लोगों द्वारा किया जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख उदाहरण होगा। उन्होंने कहा कि नए भवन के माध्यम से देश की संस्कृति प्रदर्शित होगी। आशा है कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसद का स्तर नए भवन में आयोजित होगा। कैसा होगा नया संसद भवन? नए संसद भवन में एक विशाल संविधान कक्ष होगा जिसमें भारत के लोकतांत्रिक द्रोह को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सांसदों के लिए एक लॉज होगा, उसके लिए पुस्तकालय, विभिन्न समितियों के कक्ष, भोजन कक्ष और पार्किंग क्षेत्र होगा। इस भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। यह भविष्य में दोनों सदनों के लिए संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मौजूदा समय में लोकसभा में 543 और लोकसभा में 245 सदस्य है। गत दिसंबर महीने में 861 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिट को मिलेगा। यह नया भवन सेंट्रल विस्टा प्रयोजन के तहत और नए वर्तमान संसद भवन के नजदीक बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज शाम प्लस।